सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे नम्रता और आज रेड एफएम स्टूडियोज में मैं और आज हमारे स्पेशल गेस्ट बहुत ही खास मकसद से आज जो कि आपको देने वाले हैं बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन जो कि हम सभी को आज के जमाने को ध्यान में रखते हुए पता होनी चाहिए। यस, मेरे साथ हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट इन रेड एफएम स्टूडियोज डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, डीएम कार्डियोलॉजी, प्रोफेसर एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से। लेट्स वेलकम। तो सर, कैसा लग रहा है आपको रेड एफएम स्टूडियोज में आके और आज बहुत ही खास मकसद से हम और आप जुड़ने वाले हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे रेड एफएम स्टूडियो आके, और मैं दिल का डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हर कोई व्यक्ति जो है दिल के बारे में जानना चाहता है, दिल से संबंधित बीमारियों के बारे में जानना चाहता है, तो आज हम लोग दिल से संबंधित बहुत सारी बात करेंगे। सर, हार्ट अटैक की जहाँ बात करें तो हार्ट अटैक क्या होता है, सरल भाषा में समझा जाए, प्राथमिक तौर पर एक इंसान को क्या उपचार करना चाहिए इसका? देखिए, हार्ट अटैक जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है कि हमारे हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो नसें या धमनियां जिनको हम बोलते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, जिससे कि हार्ट प्रॉपर तरीके से पंपिंग का कार्य करता है, जो कि पूरे शरीर में एक उचित प्रेशर पे ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। तो अगर किसी कारणवश इन हार्ट की धमनियों में रुकावट आ जाती है, थक्का जम जाता है, तो उसकी वजह से अचानक आगे की मांसपेशियों को हार्ट की सप्लाई ब्लड की बंद हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई, और उस वजह से मांसपेशियों में डैमेज होने लगता है। तो इसी को हम मेडिकल भाषा में जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या जनमानस की भाषा में इसको हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक में जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जिसको कि हर व्यक्ति जानता है, कि सीने में दर्द का। तो अगर किसी व्यक्ति को अचानक सीने के बीचों बीच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और ये सीने का जो बीचों बीच का दर्द है ये पसीने के साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और ये बाएं हाथ की तरफ चल के जा रहा है या बाएं तरफ के जबड़े की तरफ चल के जा रहा है, तो ये ज़्यादातर केसेस में हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। खासतौर से अगर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे या कोई फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की है और इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, इसको जो है गंभीरता से लेना चाहिए। उसको गैस के दर्द या किसी अन्य दर्द की तरह उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्राथमिक तौर पर सबसे पहली बात तो है कि आप अपने लक्षण को पहचानें कि ये सीने का दर्द इस तरीके का अगर हो रहा है तो ये हार्ट अटैक का हो सकता है, और व्यक्ति को तुरंत नज़दीकी जो है चिकित्सालय या हॉस्पिटल है वहाँ पे तुरंत उसको संपर्क करना चाहिए। और उस समय तक जो बीच का पीरियड है उसमें एस्पिरिन की गोली जो है उसको चबा के जो है उसको खा जाना चाहिए। तो चबा के खाने से जो है क्या, कम से कम 21% लोगों, अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है और वो एस्पिरिन की गोली टाइम से खा लेते हैं, तो उन्हें इतना समय मिल जाता है कि वो अस्पताल में पहुंच सके, और 100 में 21 लोगों की जान इस तरीके से बच सकती है। और कभी कभी बहुत गंभीर हार्ट अटैक होता है, मरीज बेहोश हो गया होता है, तो उसमें जो हम CPR करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन करते हैं सीने पे थंपिंग करके, तो उसकी ट्रेनिंग हर एक के लिए होनी चाहिए, पता होना चाहिए। हम लोग बार बार सामाजिक प्रोग्राम में लोगों को जानकारी देते हैं, तो अगर मरीज बेहोशी की अवस्था में है तो उसका CPR करना चाहिए, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नज़दीकी अस्पताल में हम जल्द से जल्द पहुँच जाएँ, जो गोल्डन आवर होता है उसके अंदर हम पहुँच जाएँ, हमारा समुचित इलाज जो है शुरू हो सके। सर, जैसा कि आपने बोला गोल्डन आवर, जिसका हमने काफ़ी बार जिक्र सुना है, तो ये गोल्डन क्या होता है? देखिए, गोल्डन आवर एक जो है वो बहुमूल्य समय होता है, जिसमें कि अगर हार्ट अटैक पड़ने के बाद मरीज अस्पताल पहुंच जाता है और किसी तरीके से बहुत सारे माध्यम, हम थक्का गलाने वाला इंजेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये गोल्डन आवर हम कहते हैं कि अगर हार्ट अटैक पड़ने के शुरू के 3 घंटे का पीरियड होता है, तो अगर इस 3 घंटे के पीरियड में मरीज अपने किसी अच्छे अस्पताल में पहुंच जाता है, जहां कि उसको थक्का गलाने वाला या तो इंजेक्शन लगा दिया जाए या फिर उसकी जो है एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी टाइमली कर दी जाए, तो हार्ट की मसल्स का डैमेज कम होगा और मरीज को जो हार्ट अटैक से होने वाली समस्याएं हैं वो बिल्कुल नगण्य या ना के बराबर होंगी। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या इसका इफेक्ट जो है, मतलब इसकी जो जड़ निकलती है वो एक ही तरह से निकलती है, क्या कहना चाहिए? मतलब ये अलग अलग समस्याओं की वजह से होता है या? देखिए, कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक पड़ने के बाद वाली स्थिति है। अच्छा। हाँ, तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक कारण है। कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट एकदम बिल्कुल कार्य करना बंद कर दे, जो वो 60 से 100 के बीच धड़कता है, 1 मिनट एवरेज हम कहते हैं कि 72 बार हमारा दिल धड़कता है, तो अगर हमारा दिल अचानक धड़कना बंद कर दे, जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, पूरे शरीर को ब्लड नहीं पहुंच पाता है,
और ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पहुंचने के कारण मरीज तुरंत बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में अच्छी बात ये होती है कि अगर टाइमली आप रिकॉग्निशन कर ले, टाइमली आप पहचान ले, और कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन जो होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, सीनों के बीच में हाथ रख के आप अगर उसको दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं कम से कम 120 पर मिनट की रेट से, और पेशेंट को साथ में माउथ से या मुंह से ऑक्सीजनेशन वगैरह दे रहे हैं, तो CPR में अगर आप करना जानते हैं तो उससे 30% लोगों की जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है, जो हम लोग सामाजिक प्रोग्राम्स में CPR की ट्रेनिंग देते हैं हर एक के लिए। तो CPR की ट्रेनिंग जो है हर एक को ये आना चाहिए कि CPR किस तरीके से करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक कारण है कि अगर किसी को बहुत मेजर हार्ट अटैक होता है तो उस मरीज को है लास्ट में वो मरीज जो है कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में चला जाता है। अगर कार्डियक अरेस्ट को CPR के माध्यम से हमने तुरंत ठीक नहीं किया तो वो पेशेंट कार्डियक डेथ वाली स्थिति में चला जाता है और फिर उसकी जो जीवन को बचाना संभव नहीं हो पाता। और सर आज के टाइम पे है ना हाई BP और लो BP ये दोनों समस्याएं बहुत ही सुनने को मिल रही है। हाई BP जिसके बारे में उपचार हम जानते हैं कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बट हाई BP और दोनों लो BP में भी अगर एक इंसान को सावधानी बरतने की बात आती है तो क्या हम कर सकते हैं? कि ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो आजकल के समय में बहुत कॉमन है। सबसे बड़ी बात है कि ब्लड प्रेशर कोई लक्षण करके नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। चाहे वो हाई BP हो, हाई BP में तो ज्यादातर केसेस में जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तब व्यक्ति के लिए जो है लक्षण आना स्टार्ट होते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, और इनिशियल स्टेजेस में तो उसको पता ही नहीं चलता है, तो इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। तो हाई BP का जैसे उपचार ज़्यादातर लोगों के लिए पता है कि लाइफस्टाइल में अपना जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, नमक कम खाएं, घी तेल चिकनाई कम खाएं, स्मोकिंग ना करें और प्रॉपर स्लीप लें, स्ट्रेस ना लें, और अगर तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने चिकित्सक से मिलकर जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लो BP, कि हम सब लोग हाई BP के लिए कंसर्न रहते हैं लेकिन लो BP भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से जो हम लोग देखते हैं अपने सोसाइटीज में, देखते हैं इंडियन सोसाइटीज में, कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनका BP 90 सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है 100 होता है। तो जो लो BP